खबर मसूरी से। 3 करोड़ रुपए की लागत से होगा मसूरी मॉल रोड का सौंदर्यीकरण। जी हां, मसूरी में मुख्य सचिव SS संधू की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ उन्होंने मसूरी में विकास योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही मसूरी के माल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि मुख्य सचिव के द्वारा बैठक में मसूरी के माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर वार्ता की गई। साथ ही प्रथम चरण में मसूरी के मॉल रोड पर 3 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में मॉल रोड लाइब्रेरी चौक से पिक्चर पैलेस चौक तक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शीघ्र ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि माल रोड में रेलिंग स्ट्रीट लाइट के साथ ही हवा घरों का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की होगी। साथ ही मसूरी मॉल रोड को बेहतरीन ढंग से सजाया जाएगा, जिससे कि आने वाले पर्यटक आकर्षित हो पाए। पर्यटक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और मसूरी का सौंदर्यीकरण उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कल मीटिंग में भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे लाइब्रेरी चौक से लेकर झूलाघर तक और झूलाघर से पिक्चर पैलेस तक तमाम डाउन स्ट्रीट डाउन साइड में और अप साइड में अप हिल साइड में जो भी म्यूरल्स हैं, गजीबो हैं, रेलिंग्स हैं या हमारे जो विक्टोरियन पोल्स हैं उस पर किसी प्रकार की कोई चीज़ लटकी हुई है या उसका रेलिंग टूट गया है या हमारे म्यूरल्स ख़राब हो गए हैं तो उनका सौंदर्यीकरण किया जाना है। और रोड में आपने अभी बताया कि जो खुदाई हुई है उसको उसके लिए भी जल संस्थान के चीफ इंजीनियर को उन्होंने तत्काल सही करने के निर्देश दिए हैं। हम लोग तत्काल इसका एक कार्य योजना बनाकर दो सप्ताह के भीतर हम कार्य शुरू करने वाले हैं और मसूरी की भव्यता को देखते हुए बहुत ही खूबसूरत ढंग से मसूरी को सजाया जाएगा और इसका देखरेख टोटल MDDA की तरफ से होगा।